निकल जाए।
नहीं मुझे इस साइड में पिंपल आ रही है, मेरे ख्याल से समर है ना, समर के लिए आ रही है, बहुत ज्यादा ऑयली हो जा रहा है समर में। तो चलिए वॉश कर लेती हूँ अभी मैं। मैंने अपना फेस बहुत अच्छे से धो लिया है और मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आप लोगों को बायोटिक का ये बायो वेलनेट प्यूरिफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब, जो कि है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। और मैं बता दूँ इसमें थोड़ी सी बेसन की स्मेल आती है, मैंने काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया, आप लोगों ने देख लिया होगा, ये देखिए पिचक गया है यहाँ से। और अगर इसका आपका एकदम परफेक्ट वाला अगर इसका रिव्यू चाहिए तो मैं इसके लिए एक ब्लॉग बना दूंगी, लेकिन मेरे दूसरे चैनल में मुआ अर्पिता दास, ठीक है। इस चैनल में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसे आप डेली यूज़ कर सकते हो। इवन यस, काफ़ी लोग बोलते हैं ना जो लोग डेली वॉक करते हैं उनके लिए, मैं तो बोलूँगी जो लोग डेली कुक करते हैं वो भी यूज़ कीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है ना खाने का वो हमारे फेस पे आ जाता है, तो वो हमें दिखाई तो नहीं देता है, जिसकी वजह से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और हमारी ये पिंपल्स वगैरह आती है। तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो, नॉट सो हार्मफुल, बहुत अच्छा है, ये स्मूद है, इसका टेक्सचर ये देखिए। और हमेशा याद रखिएगा जब आप स्क्रबिंग कर रहे हो ना, थोड़ा सा वेट फेस पे कीजिए, बहुत इजी होता है रब करने में। और वेट फेस पे अगर आप रब करते हो तो होता क्या है, आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है। अदरवाइज जितना ज़्यादा ड्राई करोगे, जैसे पैक भी अगर आप ड्राई करोगे ना तो स्किन ड्राई हो जाएगी। आई बात समझ में? और ध्यान रखना है कि आईज के एरिया पे नहीं करना है आपको स्क्रबिंग। थोड़ा सा और लगे थोड़ा और ले लीजिए। थ्री टू फोर मिनट्स तक अच्छे से स्क्रब करते रहिए बस। स्पेशली ये नोज एरिया में, नोज में क्या होता है हमारा बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स पड़ जाता है। मेरा उतना ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं पड़ता क्योंकि मैं टाइम टू टाइम स्क्रबिंग करती हूँ। स्क्रब जो है ना, जिनको लार्ज पोर्स की समस्या है, सुन लो, ओपन पोर्स नहीं, ओपन पोर्स सबको होता है, अदरवाइज आपकी स्किन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा स्किन को। लार्ज पोर्स होती है जिससे पिंपल्स होने की बहुत ज़्यादा, पिंपल्स होने के बाद जो वो लार्ज पोर्स हो जाती है यहाँ पे गड्ढे गड्ढे, वही जिनको हमको भाई बहुत ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है और यहाँ पे परत लगानी पड़ती है ढकने के लिए, उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो उनके लिए स्क्रबिंग स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग स्क्रबिंग तो ज़रूरी कीजिए, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, हफ्ते में दो दिन या तीन दिन। और जैसे अगर आप रेगुलर कुछ ज़्यादा बाहर निकलते हो तो मैं आपको रेगुलर बोलूँगी, तो रेगुलर के लिए ये वाला बायोटिक का बायो वेलनेट परफेक्ट है, क्योंकि बहुत स्मूद है, लाइट है, हल्का है, इतना ज़्यादा हार्श नहीं है ये। इसको आप वॉश करोगे ना तो आपको समझ आएगा स्किन और स्मूथ हो जाती है एकदम मक्खन की तरह। तो चलिए बहुत देर हो गई है, मैं इसको वॉश कर लेती हूँ अभी, फ्रेशी। तो फाइनली अभी टाइम है पैक लगाने का, लेकिन पैक लगाने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे थोड़ा स्टीम ले लीजिए। तो मेरे पास थोड़ा हल्का गर्म पानी रखा हुआ है तो मैं उसे थोड़ा स्टीम कर लूँगी। इससे क्या होता है, पोर्स खुल जाते हैं और जब आप पैक लगाते हो ना, अंदर से आपकी स्किन एकदम स्मूथ होती है। फाइनली मैंने स्टीम ले लिया है, देखिए थोड़ा सा चीक जैसे चक चक कर रहे हैं ना, ग्लो कर रहा है, स्टीम की यही खासियत है। ज़्यादा लोगे तो उतना सा ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता, बट थोड़ा सा हल्का ले लो, पोर्स ओपन हो जाए। और ये देखिए, ये है, उल्टा उल्टा दिख रहा होगा इसलिए मैं बता देती हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ये मामा अर्थ का है, मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क विथ सैफ्रन एंड टर्मरिक एंड एप्रिकॉट ऑयल फॉर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। इसका भी रिव्यू मैं दे दूंगी मुआ अर्पिता दास में, आप लोग बस नज़र वहाँ पे गड़ाए रखना, मैं दे दूंगी रिव्यू। और फिलहाल कैसा किस्मत पसंद है तो आप भी दीवाने बन जाओगे इसके, क्योंकि ये जब लगाओगे ना इतनी ठंडक लगती है, समर के लिए एकदम परफेक्ट है ये वाला जो पैक है, सीरियसली एकदम परफेक्ट है। तो मैं लगा लेती हूँ, देखिए समझदारों को इशारा काफ़ी है, पैक लगा के ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा देर इसे सुखाना नहीं है हमें, ठीक है। तो मैं चलिए इसे फटाफट लगा लेती हूँ। Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing gold is eyes, but my heart still beats. When I say no, it's yes, I'm putting you to the test.
Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you. कॉमेडी मत करो यार वो देखो तुम्हारा गाना सुन भी नहीं रही है। दोबारा गाओ नहीं तुम दोबारा गाओ, वो डांस करती कि नहीं देखते। चलो देखते किसके गाने पे डांस करती है माही। आज माही इज्जत रख लो, मेरा इज्जत रखना, ठीक है? अभी डैडी की बारी है। देवरत गाओ। डांस करो भाई, डांस। गुलशन में गुल खिलते हैं जब सारा मिल दीजिए, जब गुलशन गुल मिलते हैं। सो सैड, वो डांस ही नहीं आपको, तुम्हारे गाने को बिल्कुल भी उसने नहीं कुछ समझा। अरे क्या कर रहे, देखो खोल दिया। अरे माही का एक और कारनामा देखिए जरा, दुनिया वालों देखो क्या कर रही है ये। अरे नहीं बेटा, उसमें बल्ब है बाबू, हाथे लेके जा बे बाबा। गाती हूँ, देखते माही डांस करती के नहीं, ठीक है?
रूम ना बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है और अभी 12 बजने को है, और 12 बजे के बाद आपको शायद पता चल गया कि क्या होता है। जब तक ये नहीं सोती है तब तक यही होता है, और हम लोग इंतज़ार करते हैं कब तक, कब सोएगी, बस यही इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सोती नहीं है आसानी से, बहुत मुश्किल होता है आजकल सोना में। और ये देखिए आज एक पिंपल देख रही हूँ और बहुत बड़ा वाला, मनहूस, गर्मी की वजह से निकला ये, बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल। मतलब सुबह उठो ना तो एकदम खाना बनाने जाती हूँ तब माही का, तो पूरा एकदम ऑयल, ऐसा लगता है कि पूरा एक ऑयल किसी ने मेरे फेस पर डाल दिया हो। माही दीदी मैं थोड़ा गोदी में सो जाऊँ, बाबू थोड़ा हेड मसाज कर दोगे? अरे बाप रे, देखो मेरा हेड मसाज हो रहा है, देखो आज, देखो बाबू तेरे गोदी में सो जाए, ये देखो मेरी हालत। क्या ले रही हो दिया? दिया दिया तारक अंकल की गुड़िया को भी दिया। क्या कर रही है माही दीदी? माही दीदी क्या कर रहा है? ले ले सब, ले ले सब, ले ले बेटा सब ले ले, अब मैं आऊंगी ना सब लोग रख दूंगी फिर। ये शक्ल देखिए, खुशी देखो इसके चेहरे पे, कितनी खुशी, पहली बार इसने लिया और मम्मा ने हाथ से नहीं छीना। अरे ये घड़ी है, ये घड़ी है माहू, वो कांच टूट जाएगा बाबू, बच्चा वो कांच टूट जाएगा माहू, ये कांच टूट जाएगा, एटा भेंगे गले ना, एटा नहीं भी कंगे भी चाहिए, ये भी चाहिए उसको, इससे क्या करेगा तुम? इसको ना काटने की आदत हुई है आजकल, बहुत गंदी आदत हुई है, काट देती है आके किसी को भी। एटा देख की करे, एटा देख की करे, क्या करते हैं इससे बताओ, की करबे एटा देख की करबे, एटा देख की करे बोलो, उसको पता है, दिखाओ क्या करना है उससे बताओ। आ आ आ, आ, आ। की करे बोलो, ओटा की कर, अरे क्या करना है कुड़ी, क्या करेगा उससे तुम? दे मेरे को, दे 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 दे, ए दे दे दो वापस दो मेरा, दे मेरा कंगा वापस, दे 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 मेरे कंगा, दे, दे। क्या कर रहा है ये? कंगी कर रहा है माई, कर कर दोबारा करो, क्या कर, की कोड से लेटा दिया माई, क्या कर रहा था? हाँ हाय, एक जगह रुकती नहीं है ये लड़की, बिल्कुल नहीं रुकती है, पता नहीं क्या मिला फिर नीचे, रखो उसको, गंदा है ये, गंदा है बहुत, तोड़ा दिया फिर कुछ छोड़ तोड़ा, अब नहीं वो चाहिए, अब दूसरी जगह मन आ गया उसका। की कर चूल्हा चलाचो हाँ बाबा, चुटी बांधे इसको रोकना, मतलब उफ, किस में इतनी हिम्मत है। ओटा कैडबरी ना बाबू, ओटा एक माथा ये कोई गलो, देखो भेंगे दिए छे, ए देखो ए देखो मेरे मेरे भेंगे दिए छे टके, ये बाबा देवराज की लग रही है क्लास। एक लाइट रखो, छोटी वाली रखो, हल्की वाली नहीं, नहीं रखो रखो। देवराज सुलाने की प्लानिंग कर रहा है भाई को।
गाना गा के सुनाओ देवराज, चलो अच्छा सा गाना सुनाओ उसको। ये सोएगी तुमको लग रहा है देख के इसका वो। आँग 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 मुँ देखो उसको, तो उसका तो माइंड अभी यहाँ पे है बस। देखो 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 इसका हरकत देखो आप लोग बस। यही होता है हमारे रात 12 बजे के बाद और दोपहर में अगर जब ये सोती नहीं है। दाओ माही अमा के दाओ ओटा दिए दाओ। लोगों ने देखा ऐसा ही होता है, ठीक ऐसा ही होता है। 12 बजने के बाद हमारा हालत बहुत ही ऐसा होता है, एकदम बुरा हाल होता है। तो अभी बज गए हैं 12:30 और माही अभी भी नहीं सोई है, तो ऐसा चलते रहेगा। तो आप लोग भी सो जाइए, ब्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खूब सारे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। कुछ भी मत लिखिएगा, बट जैसा लग रहा है पॉजिटिवली, और यस पॉजिटिवली अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए, बुरा लग रहा है तो वो भी बताइए, मैं दिल खोल के लूँगी एकदम ओपनली। और ये देखिए इधर की हालत, अभी इनको गाड़ी चढ़ना है, उतार दिया गैरेज से, उतार दिया कवर, उतार दिया गाड़ी का, वो देखो वो देखो। वाह वाह माही वाह, चढ़ जाएगी वो आराम से चढ़ जाएगी, उसको चढ़ना आता है, उतरना भी सीख गई है वो। माही यही चलता है हमारा। तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है।